हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बनाएंगे प्लाजो पैंट। हिप 36 इंच है इसकी और लंबाई है 40 इंच और मोहरी है 8 इंच। तो ये मैंने मार्किंग की है, जो टेढ़ा मेढ़ा कपड़ा है वो निकल जाएगा। और ये खुली साइड है, ये मैंने अपनी तरफ रखी है और बंद साइड दूसरी तरफ रखी है। और कपड़े को लंबाई में मैंने डबल फोल्ड करके बिछाया है। तो इसमें मुझे 4 इंच मोहरी का डिजाइन बनाना है। उसे अलग करते हुए हम 37 इंच पे मार्क करेंगे लंबाई का। तो ये 37 इंच हमने मार्क कर लिया है। इसमें 1 इंच सिलाई में चला जाएगा तो बचेगा 36 इंच। तो 36 इंच में 4 इंच मोहरी जुड़ जाएंगी डिजाइन की, तो पूरी 40 इंच बैठ जाएगा। तो ये हम एक मार्क करेंगे, इस पे हम हिप का मार्क करेंगे। तो यहाँ हम लाइन अप कर लेंगे और इसके बाद जो ये किनारी है इसे हम मार्किंग करेंगे आधा आधा इंच की, ताकि इसे हम कटिंग करके अलग निकाल दें। क्योंकि अगर हम मार्किंग को अपने कपड़े में रखते हैं तो वो कपड़ा खिंचाव देता है, तो इसलिए हम इसे अलग कर देते हैं। तो अब हम लगाएंगे हिप का निशान। तो ये 9 इंच मैंने लगाया है हिप का और 2.5 इंच एक्स्ट्रा रखूंगी लूजिंग के लिए और 1.5 इंच जो नट के लिए। तो ये टोटल निशान मेरा 12 इंच हो गया है। और नीचे की साइड फिर मैं 12 इंच पे मार्क करूंगी और एक चौकोर बॉक्स टाइप बना लेंगे हम 12 बाई 12 का। ऐसे हमें लाइन अप कर लेना है। ऊपर की साइड को हम लाइन अप करते हुए ये मैं आसन का मार्क करूंगी। तो ये मैं एक लाइन अप आगे की तरफ मार्क करेंगे कुछ एरिया के लिए। तो ये 2.5 इंच मैंने क्रोच एरिया के लिए रखा है और 1.5 इंच का इस तरह से गोलाई दे देनी है। इसमें आसन हमें ज्यादा ढीला नहीं रखना है, एकदम फिटिंग टाइप हमें ये बनाना है पेंट। हमने इसको इस तरह मार्क करते हुए बीचों बीच सेंटर निकाल लिया है। तो 7.25 इंच पे हमारा सेंटर निकला है। तो हम मोहरी की साइड भी 7.25 इंच पे मार्क करेंगे और एक बीच सेंटर में लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये हमने सेंटर की लाइन ड्रॉ कर ली है। अब हम सेंटर मार्क देखते हुए ऊपर की साइड चुन्नट का निशान लगाएंगे। तो 5 इंच में चुन्नट का लगाने वाली हूँ। तो ये हमने 5 इंच पे चुन्नट का लगा लिया है और 1.25 इंच दोनों तरफ मार्क कर लिया है। ये हम चुन्नट भरेंगे और मोहरी का हम 4 इंच पे मार्क करेंगे एक साइड और 4 इंच एक साइड करेंगे। ये 8 इंच की हमें मोहरी कर लेनी है तैयार। और हम सेब पट्टी लेंगे, तो सेब पट्टी को इस तरह रखते हुए हम लाइन अप कर देंगे और फिर इसे इस तरह फोल्ड करेंगे। तो दूसरी तरफ भी हम इस तरह लाइन अप करेंगे। फिर इसको पलटते हुए ऊपर की साइड रखते हुए मार्क कर लेंगे। इससे फिटिंग बहुत अच्छी आती है। और ये 1.25 इंच ऊपर से छोड़ते हुए 6 इंच पे हम जेब का मार्क करेंगे। तो ये क्रोच एरिया है, इसको हम ज्यादा गहराई से गोलाई नहीं देते हैं, नहीं तो क्या होता है कि हमारा आसन खिंचाव करने लगता है। तो ये मैं कटिंग करके आपको अच्छी से नेक्स्ट वीडियो में सिलाई करके दिखाऊंगी, जिससे हमारी पेंट बिल्कुल परफेक्ट बनेगी, ना ही खिंचाव आएगा और ना ही
कोई प्रॉब्लम होगी, मोहरी भी इधर उधर नहीं घूमेगी। तो मैं इसकी कटिंग कर ले रही हूँ। तो ये मेरा फ्रंट पार्ट है, पहले हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे, उसके बाद हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। अगर हमें थोड़ी ढीली पैंट चाहिए होती है तो हम उसमें लूजिंग और बढ़ा लेते हैं। तो इसमें मैंने 2.5 इंच की लूजिंग बढ़ाई है, क्योंकि ये कॉटन कपड़ा है, थोड़ा बहुत धोने के बाद भी इकट्ठा होगा तो कम हो जाएगा। तो ये हमें फिटिंग में ही रखनी है पैंट। अगर आपका कपड़ा वैसा है सिल्क वगैरह में, या मतलब इकट्ठा ना होने वाला कपड़ा है, तो आप उसमें 1/2 इंच कम कर सकते हैं लूजिंग, तो ही फिटिंग की आएगी। तो ये मेरा फ्रंट पार्ट कट गया है। अब मैं बैक पार्ट के लिए कपड़ा बिछा लिया है। तो ये हमने बैक पार्ट के लिए कपड़ा रेडी कर लिया है, जिस तरह से फ्रंट पार्ट के लिए किया था। तो हम अब फ्रंट पार्ट को इसके ऊपर बिछाते हुए, इसमें हमें कोई एक्स्ट्रा मार्किंग नहीं करनी है, बस आसन के लिए हम मार्किंग करेंगे। जो हम क्रोच एरिया बनाएंगे उसके लिए हम 2.5 इंच एक्स्ट्रा आगे को बढ़ाए बढ़ा करके मार्क करेंगे। एक मार्किंग हमें इस तरह करनी है, और फिर नीचे की तरफ आसन से मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और 3.5 इंच हम ऊपर की तरफ करेंगे, तो इसे भी हम सीधा लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और 3.5 इंच से दूसरे कोने की तरफ हम तिरछा करते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ढाई इंच हम क्रोच एरिया के लिए एक्स्ट्रा आगे की तरफ बढ़ाएंगे, और 1.5 इंच पे मार्क करते हुए क्रोच की गोलाई दे देंगे। और नीचे की तरफ हम 1/2 इंच पे मार्क करेंगे। अब सेप पट्टी लेंगे, उसे इस तरह रखते हुए हम मार्किंग कर लेंगे। तो हमारे बैक पार्ट की भी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और रोजाना एक नई वीडियो देखना चाहते हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचती रहे। तो फ्रेंड्स, आपका सपोर्ट मुझे कम ही मिल रहा है, क्योंकि तो आजकल सीखने वाली वीडियो कम देखते हैं और बकवासबाजी की वीडियो ज्यादा देखते हैं, तो शायद इसलिए। तो किस किस को मेरी वीडियो अच्छी लगती है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और अच्छे अच्छे डिज़ाइन आपके लिए लाती रहूं। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पैंट सिलने का सही तरीका बताऊंगी। थैंक्स फॉर वॉच वीडियो। धन्यवाद।